हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज एसएससी बैंकिंग रेलवे से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट सम करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों, एंजॉय द वीडियो। एक दो तीन, ठीक है बच्चों, तो लास्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? इफ वन टेंथ ऑफ वन फोर्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज 10, क्या कह रहा क्वेश्चन में? इफ वन टेंथ ऑफ वन फोर्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज 10, फाइंड द नंबर। कह रहा है किसी संख्या का वन टेंथ मतलब एक बटे दसवां भाग का वन फोर्थ का एक चौथाई भाग ऑफ वन फिफ्थ मैंने पांचवां भाग 10 हो तो संख्या क्या होगा? तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, नंबर को क्या संख्या क्या मान लिया बच्चों? x मान लिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है इस संख्या का वन टेंथ, वन टेंथ वन ऊपर टेन नीचे और सब में ऑफ कर रहा है, तो ऑफ मतलब इनटू करते आना है। वन फोर्थ मैंने वन बाय फोर, वन फिफ्थ कर रहा है तो वन बाय फिफ्थ और कुछ नहीं है, नहीं है, इक्वल टू क्या लिख देंगे? टेंथ लिख देंगे, दस लिख देंगे, सॉरी क्या लिख देंगे? दस। वन टेंथ था वन बाय टेन, वन फोर्थ था वन बाय फोर, वन फिफ्थ था वन बाय फाइव, देयरफॉर एक्स इक्वल टू कितना बच्चों? इस टेन को लिख लीजिएगा, ये जो दस था इधर लिखे हैं इन टू, अब नीचे में जो जो था दस चार पांच उसको ऊपर लिख दिया, दस चार पांच लिख दिए बच्चों, और ऊपर में क्या कहा? वन वन वन, वन इंटू वन इंटू वन, ऐसे भी वन लिखने को फर्क नहीं पड़ता है, वन इंटू वन इंटू वन तो क्या वन होगा, लेकिन लिख दिए नियम है इसलिए। गुना कीजिए, दस को दस से सौ, सौ को चार से चार सौ, चार सौ पंचे कितना बच्चों? चार पंचे बीस, यानी कि 2000। क्या बच्चों ये हुआ आपका, डिटेल में इतना करेंगे, ये वो फर्स्ट मेथड। एक्स का मान क्या आया? 2000। ठीक है, आप देखिए वो शॉर्ट मेथड से शॉर्टकट, तो शॉर्टकट ज्यादा बड़ा तो बात नहीं बच्चों, सीधा सीधी क्या करा है? वन टेंथ ऑफ वन फोर्थ ऑफ वन फिफ्थ ऑफ ए नंबर इज 10, तो जो सबसे पहले यहां पर दिया है उस नंबर को आपको लिख लेना है। किसे? इस 10 को लिख लिए। अब देखिए वन टेंथ है ना, वन टेंथ तो आपको लिखना है 10 बाय 1, बस उल्टा देना है। वन फोर्थ है तो 4 बाय 1, वन फिफ्थ है तो क्या लिखते बच्चों? 5 बाय 1। चलिए काट दीजिए, 10 नहीं 100, 100 चक्कर 400, 400 पंचे कितना हो गया? 2000। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं या x मान के भी आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वीडियो को एंजॉय किया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मेथड सीख लीजिए, इसे मिटाते हैं। आप देखिए क्या है, वन थर्ड ऑफ वन सिक्स ऑफ टू थर्ड ऑफ ए नंबर, तो नंबर को बच्चों क्या मानते हैं? x मान लेते हैं। आप क्या करेंगे बच्चों? नंबर को x मान लिए, लेट नंबर क्या है आपका? x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है? इस नंबर का वन थर्ड यानी कि वन बाय थ्री, वन सिक्स यानी कि वन बाय सिक्स, टू थर्ड यानी कि टू बाय थ्री इक्वल टू कितना है? 64 है, तो क्या हो बच्चों? x इक्वल टू ये 64 को लिख लीजिए, नीचे में कितना? 3 6 3, तो इधर आके हो जाएगा 3, ये 3 है 3 6 3, नीचे वाला सब ऊपर, ऊपर वाला सब नीचे, एक गुना एक गुना दो, एक गुना एक गुना दो, कुछ कटेगा काट दे बच्चों, दो से काट दे चौंक कितना हुआ? 32 वाले काट गया, आप गुना कर दीजिए, 32 गुना 3 96, 32 गुना 3 96 हुआ, अच्छा 18, 18 को 96 से गुना कर दीजिए बच्चों, 18 को 96 से गुना कर दीजिए कितना हुआ? 18 6 8 टोटल से 108, 18 9 62 यानी 162, 8 2 7 1 1728 कितना बच्चों? 1728। और ऐसे करते बच्चों बिना x माने तो क्या करते हैं? सेकंड तरीका देख लीजिए, क्या करते बच्चों? सीधा सीधे हम
इस 64 को लिखते हैं, सेकंड मेथड शॉर्ट ट्रिक, 64 लिख लीजिएगा, उसके बाद 1/3 है तो 3 ऊपर और 1 नीचे इनटू 1/6 है 6 ऊपर 1 नीचे, 2/3 है 3 ऊपर और 2 नीचे, 2 से काट देंगे 32 हुआ, तो 32 से देखिए 32 गुना 3 कितना हुआ 96 आ गया, 6 18 हो गया, 96 को 18 से गुना किए थे, 18 से 8 होता है 1 का 8 हाथ में 10, 18 नमा 62 से 162 10 कितना हुआ 172, देखिए दोनों में सेम आंसर आया, समझ गए होंगे, एंजॉय द वीडियो। आप देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, कह रहा है इफ द सम ऑफ ए नंबर, इफ द सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, कोई संख्या और उसके वर्गों का योग, सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, कोई संख्या और उसके वर्ग का योग 210 है, व्हाट इज द नंबर, कोई संख्या और उसके वर्ग का, इस पर ना वर्ग होता है, सम मतलब योग होता है, कोई संख्या और उसके वर्ग का योग आपका 210 है तो वो संख्या क्या होगी। उसी प्रकार इसी क्वेश्चन के आधार पर ये तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, जहां 210 था वहां 240 है, सब डॉट डॉट में है, जहां पर आपका 210 था वहां 156 है और जहां 290 है, ठीक है बच्चों। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, बाकी आप ये तीनों आप खुद बना लीजिएगा, सब कुछ वही लिखा रहेगा, जहां 210 है वहां 240 लिख दीजिएगा, एक बार 210 के जगह 156 लिख लीजिएगा और 210 के जगह में 90 लिख लीजिएगा। तो चार सवाल है, कोई एक वो समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानिए डिटेल में कैसे होता है, डिटेल मेथड, डिटेल में बड़ा नियम कैसे बनेगा। तो कोई संख्या को बच्चों एक्स मान लिए और कह रहा है सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स स्क्वायर, जो एक्स था उसका स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर, संख्या एक्स है उसका स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है 210, पहला में क्या दिया 210, ये तीनों आप बना लीजिए, 240 156 और 90 को आप खुद बना लीजिए घर में, ठीक है। इधर ले आए बच्चों 210 को सजा कर लिखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर लिख लिए प्लस एक्स लिख लिए माइनस क्या हुआ 210, अब गुणनखंड आ गया, फैक्टराइज आ गया। आप लोग क्लास 8 में सीखे, 9 में सीखे, 10th में सीखे, नहीं सीखे हैं तो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर पर जाइए और गुणनखंड सीखिए, हर तरह का गुणनखंड मैंने वहाँ पर बता दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टराइज आप लोगों को मैंने सिखा दिया है। तो कैसे करेंगे बच्चों, गुणनखंड करने क्या नियम है, कितना यहाँ पर है एक्स के साथ में कुछ मतलब 1 है, 1 लिख दिए, अब हम क्या करते थे इन दोनों गुणा करते थे, 210 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे कितना हुआ 210 एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर 1x है, ऐसा दो संख्या सोचना है जिसको जोड़ने घटाने से एक हो, गुणा करने से कितना हो बच्चों 210 हो, तो क्या होगा इसको लिख सकते हैं, देखिए तो 15x माइनस 14x, आप सोचिएगा 15x कहाँ, 15 माइनस 14 कहाँ से आया, तो गुणनखंड के नियम से मैंने बताया था आप लोगों को, जिसे 210 इसको तोड़िए, दूसरे घटाइए 105, 5 से घटाइए 21, 3 से घटाइए 7 हुआ, आता नहीं कटेगा बच्चों, तो इसी से खोजना पड़ता है हमको नंबर। देखिए हम क्या किए, ये ले लिए 7 दूनी 14 ले लिए, 5 से 15 लिए, 5 से 15 7 दूनी 14, 5 से 15 और 7 दूनी 14, तो 15 बचे 14 चल जाएगा, क्या बचेगा एक बचेगा ना, और इन चारों को गुना करेंगे 2 को 5 को 3 को और 7 को, चारों को गुना करेंगे क्या तो 10 ही होगा, बस वहां से लाए थे गुणनखंड का नियम, आप देख लीजिएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन ले लिया बच्चों, तो क्या बचेगा एक्स प्लस 15, 14 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा एक्स माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 14 से आप आएगा 15 बार में क्या होगा 210। अब देखिए एक्स प्लस 15 दोनों में है, एक लिख लीजिए गुणनखंड के नियम से, और यहाँ क्या है एक्स माइनस 14 बराबर 0, एक्स प्लस 15 एक्स प्लस 15 यहाँ तक कॉमन ले लिए, यहाँ एक्स उतार दिए माइनस 14 उतार दिए, अब देयरफॉर एक्स का मान प्लस 14 क्या होगा सॉरी प्लस 15 हो जाएगा माइनस 15 एंड एक्स क्या होगा 14, एक्स प्लस 15 बराबर 0 करते हैं तो प्लस 15 हो जाए क्या होता है माइनस 15, और एक्स माइनस 14 बराबर 0 करते हैं माइनस 14 जाए क्या होता है प्लस 14, तो बच्चों माइनस वाला को हटा दीजिएगा, एक्स का मान क्या होगा 14 आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका हुआ डिटेल मेथड में बच्चों, समझ गए जो आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ाई होगा आराम से। आप देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक में कैसे करेंगे बच्चों, आंसर याद रखिए 14 आंसर ध्यान रखिएगा। आप देखिए इसका ट्रिक,
क्या करें बच्चों, कुछ नहीं करना है, नंबर आपका हो जाएगा, ये फॉर्मूला रखना है, 1 + 4x, क्या रखना बच्चों, √1 + 4x माइनस 1/2, √1 + 4x माइनस 1/2, बस यही फॉर्मूला आपको याद रखना है, सवाल चुटकी में बनेगा। देखिए 1 लिखिए, ये 4 उतार दिया, x के जगह में जो नंबर दिया कितना था 210, इस x के जगह में क्या रखें बच्चों 210 लिख देंगे, 210, और बाहर में है माइनस 1, ये रूट के अंदर में इतने है, माइनस 1 रूट से बाहर है, ये माइनस 1 रूट से बाहर है, बटन कितना 2, बस फॉर्मूला याद, हिसाब बन गया, 210 चौके कितना 184 बना 840, 210 को 4 से गुणा किया 840 हुआ, बाहर में माइनस 1 है, बटे कितना है 2। अब देखिए कैसे करेंगे बच्चों, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 840 और 1 कितना हुआ 841 माइनस 1/2, तो 841 का वर्गमूल कितना होता है आपका 29, 841 का वर्गमूल कितना होता है 29 माइनस 1/2, 29 में 1 गया कितना हुआ 28, 28/2, जो हम सब लिख रहे हैं सिखा रहे हैं इसीलिए बड़ा बुझा रहे, बड़ा है नहीं, तो 29 माइनस 1 हो गया 28/2, काट लें कितना हुआ 14, जो 14 आंसर आ गया ना, 29 माइनस 1 28 को 2 से कटा 14 होगा। तो बच्चों इतना खाली सिखा रहे थे इसलिए बड़ा लगा, आपको डायरेक्ट खाली करना, जैसे कि मान लीजिए 4 नंबर आते हैं, ये 4 नंबर, तो क्या करते हैं इस 90 को हम 4 से गुणा करते हैं, 90 चौके कितना हुआ 360 माइनस 1/2 करते हैं, 360 और 1 361 का वर्गमूल कितना होता 19 माइनस 1/2, 19 माइनस कितना हुआ 18/2, काटते सब मन में करना है, अभी लिख रहे हैं इसीलिए 18/2 कितना 9 हो गया, इसका आंसर कितना आया 4 नंबर का 9 आ गया, मतलब जो भी संख्या यहाँ दिया है उसको 4 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए, 90 चौके 360 और 1 361, 361 में 1 हटा दिए, 361 का रूट निकला 19, 19 में चला गया 1 हो गया 18/2, ठीक है बच्चों। तो बाकी बच्चों ये 2 क्वेश्चन आप बनाइएगा, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, टिल देन गुड बाय बाय।